आज हम सीखेंगे गो वाले पांच फैजल वर्ब, जिसे जानना आपके लिए बेहद जरूरी है क्योंकि ये सभी वर्ड्स हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो आइए फ्रेंड्स, एक एक करके सीखते हैं पांच फैजल वर्ब्स जो गो से रिलेटेड है। सबसे पहला वर्ड है गो विदाउट, जिसका मतलब होता है किसी चीज के बगैर काम चलना। चाय के बगैर मेरा काम चल जाता है, या चाय के बगैर मेरा काम नहीं चलता है। मोबाइल के बगैर मेरा काम चल जाता है, या मोबाइल के बगैर मेरा काम नहीं चलता है। तो जब कभी भी आपको ऐसे सेंटेंसेस बोलना हो जहां कहते हैं किसी चीज के बगैर काम चलना या न चलना, तो वहीं पर आप गो विदाउट का इस्तेमाल करके अपने सेंटेंसेस को बोलेंगे। जैसे मोबाइल के बगैर मेरा काम चल सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन गो विदाउट मोबाइल, यानी मोबाइल के बगैर मेरा काम चल सकता है। अगर आपको कहना हो कि मोबाइल के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट गो विदाउट मोबाइल, यानी मोबाइल के बगैर मेरा काम नहीं चलता। चाय के बगैर मेरा काम चल सकता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कैन गो विदाउट टी। लेकिन अगर आपको कहना हो कि चाय के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट गो विदाउट टी। अगर आपको कहना हो पानी के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई कांट गो विदाउट वाटर, यानी पानी के बगैर मेरा काम नहीं चल सकता। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपने पहला वर्ड समझा कि गो विदाउट का मतलब होता है किसी चीज के बगैर काम चलना, और जब इस वर्ड को आप एक नेगेटिव सेंटेंस में लिखेंगे तो उसका मतलब होता है कि काम न चलना। जैसा कि यहाँ पर मैंने कई एग्जांपल्स लिखा है जिसे आपने अच्छा से सीखा। आइए फ्रेंड्स, अब दूसरा वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है गोविद, जिसका मतलब होता है मेल खाना, यानी दो अलग अलग चीजों का एक जैसा होना या एक शक्ल का होना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो यह मैप दूसरे मैप से मैच खाती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दिस मैप गोज विद अदर्स, यानी यह मैप दूसरों से मेल खाती है या मिलती है। अगर आपको कहना हो कि यह मैप्स एक दूसरे से मेल नहीं खाती है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे दीज मैप्स डोंट गो विद ईच अदर, यानी यह मैप्स एक दूसरे से मेल नहीं खाती है। अगर आपको कहना हो तुम्हारा जवाब इस जवाब से मेल नहीं खाता है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे योर आंसर डजंट गो विद दिस आंसर, यानी तुम्हारा जवाब इस जवाब से मैच नहीं खाता है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको वर्ड गोविद का मतलब समझ में आया कि गोविद का मतलब होता है मेल खाना, यानी सिमिलर होना। गो राउंड का मतलब होता है फैलना या किसी के बहकावे में आ जाना, यानी गो राउंड का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब हमको कहना हो कोई चीज फैल रहा है, और गो राउंड का इस्तेमाल हम तब भी करते हैं जब हमको कहना हो किसी के बहकावे में आ जाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो एक वायरल मेरे सिटी में फैल रहा है, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे अ वायरल इज गोइंग राउंड इन माय सिटी, यानी मेरे सिटी में एक वायरल फैल रहा है। अगर आपको कहना हो कि फ्लू हर जगह फैल गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे द फ्लू वेंट राउंड एवरीवेयर, यानी फ्लू हर जगह फैल गया या चारों तरफ फैल गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, गो राउंड का एक और मीनिंग होता है जो है किसी के बहकावे में आ जाना या किसी के चक्कर में आ जाना। तो अगर आपको कहना हो किसी के चक्कर में मत आओ या किसी के बहकावे में मत आओ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे डोंट गो राउंड विद समवन, यानी किसी के बहकावे में मत आओ या किसी के चक्कर में मत आओ। अगर आपको कहना हो कि वह किसी के चक्कर में आ गया या वह किसी के बहकावे में आ गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वेंट राउंड विद समवन, यानी वह किसी के बहकावे में आ गया या वह किसी के चक्कर में आ गया। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको गोराउंड का मतलब समझ में आया कि गोराउंड का मतलब होता है फैलना, और गोराउंड का दूसरा मीनिंग होता है किसी के बहकावे में आ जाना या किसी के चक्कर में आ जाना। आइए फ्रेंड्स, अब अगला वर्ड देखते हैं। गो बाय का मतलब होता है निकलना या जाना। जैसे अगर आपको कहना हो कि मैं ट्रेन से जाऊंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल गो बाय ट्रेन। अगर आपको कहना हो कि मैं बस से जाऊंगा या मैं बस से निकलूंगा, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई विल गो बाय बस। तो फ्रेंड्स, आपने यहाँ सीखा कि गो बाय का मतलब होता है निकलना या जाना, और ये एक ऐसा वर्ड है जो हमारे डेली लाइफ में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। गो अवे का मतलब होता है कहीं दूर चला जाना या बहुत दूर चला जाना। जैसे मान लीजिए अगर आपको कहना हो वह मेरे गांव से दूर चला गया, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे ही वेंट अवे फ्रॉम माई विलेज, यानी वह मेरे गाँव से दूर चला गया। अगर आपको कहना हो कि दूर चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना, तो इस सेंटेंस के
फिर आप कहेंगे गो अवे एंड नेवर कम बैक अगेन, यानी दूर चले जाओ और दोबारा यहाँ मत आना। अगर आपको कहना हो मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ, तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई डोंट वॉन्ट टू गो अवे टू यू, यानी मैं आपसे दूर नहीं जाना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपने इस वर्ड को समझा कि गो अवे का मतलब होता है दूर चला जाना। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि ये सभी वर्ड्स आपको बड़े शानदार तरीके से समझ में आया। यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे फ्रेजल वर्ड्स सीखने के लिए आप मेरे वेबसाइट पर आएं, यानी आप englishbyalam.com पर आएं, जहाँ आप सीखेंगे बहुत सारे फ्रेजल वर्ड्स। और मैंने इस साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप वहाँ आसानी से पहुँच सके। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा फ्रेजल वर्ड्स आपको सबसे अच्छा लगा या सबसे काम का लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे वर्ड्स के साथ, तब तक के लिए बाय।